नई सी दमदार वीडियो लेके। सो गाइस, आज की जो वीडियो है भाई इतनी मजेदार वीडियो है, वो है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अब भी रिसेंटली व्लॉग्स के लिए एक नया फोन परचेज किया है। और वो फोन है, क्या बताऊँ गाइस आपको, सैमसंग का नोट 20 अल्ट्रा 5G। तो काफी बढ़िया फीचर्स है, काफी बढ़िया फोन है, और आज मैं बनाऊंगा इसका ब्लॉग्स, ये अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको पूरा दिखाएंगे, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि अब मेरे ब्लॉग काफ़ी अच्छे हो आएंगे। तो दिखाते हैं आपको वो फोन। दिएगा इस वीडियो को स्किप मत करना गाइस, इस बार प्लीज रिक्वेस्ट। तो गाइस, जैसे कि ये है हमारा सैमसंग का नोट 20 अल्ट्रा, ये देखिए थोड़ा सा ना आपको फ्रंट से उठा दिखता है, फ्रंट कैमरे से वीडियो बन रही है, ठीक है। ये वो फोन है, आप इसकी करिए अनबॉक्सिंग गाइस मैंने पहले कर ली है, थोड़ा बहुत मैंने यूज़ भी किया है, काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, ठीक है। अब डायरेक्ट आपको फ़ोन दिखाते हैं गाइस। इसके साथ मिलता है 25 वॉट का चार्जर सैमसंग का, काफ़ी फास्ट चार्जिंग है, शायद आपको दिख भी रहा होगा, इस पर लिखा होगा फास्ट चार्जिंग, ठीक है। तो ये चार्जर मिलता है, और ये टाइप सी होता है, इसके टाइप सी केबल लगती है आगे, ये देखिए ऐसे, ये टाइप सी चार्जर होता है ना कि USB चार्जर, और ये इसकी AKG केबल है सैमसंग की, ये भी मैंने यूज़ की है, काफ़ी बेहतर और ज़बरदस्त एक थिएटर वाला साउंड आता है भाई इसमें, ठीक है। ये है नॉर्मल चीज़ें, इसको इग्नोर करते हैं। अब आते हैं हम अपने फ़ोन पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो फ़ोन जिसका आप सबको और मुझे तो बहुत इंतज़ार था गाइस। ये है वो फ़ोन सैमसंग का नोट 20 अल्ट्रा 5G, और ये इसकी कर्व डिस्प्ले, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ गाइस, मैं काफ़ी कर्व और गाइस डिस्प्ले देखिए आप, थोड़ा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बैक कैमरा दिखाऊंगा गाइस, फ्रंट कैमरे से आपको डिस्प्ले थोड़ा सा ऐसा नहीं दिखेगा, डिस्प्ले क्लियर है लेकिन आपको वाइट दिख रही होगी, ठीक है। मैं फ्रंट कैमरे से आपको पूरा इसका व्यू कराता हूँ, काफ़ी कर्व डिस्प्ले है, आप जैसे कि देख सकते हो, देखिए काफ़ी कर्व डिस्प्ले है, और ठीक है मैं थोड़ा सा आपको वर्बली इसका व्यू करवा लेता हूँ, इसके ऊपर ये देखिए, ठीक है मैं बैक कैमरे से दिखा दूँगा, इस फ्रंट कैमरे से ना थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैंने ये फ़ोन लिया है ताकि मेरे ब्लॉगिंग में अभी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ, चलिए। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा सैमसंग का नोट ट्वेंटी अल्ट्रा 5G, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी देखिएगा, इस काफ़ी प्रीमियम लुक लाता है, फ्लैगशिप फ़ोन है ये, ठीक है। और इसके दोनों तरफ बैक साइड भी स्टील का है गाइस, जो इसके और भी गुड फीलिंग कराता है हमारे हैंड में। तो इसकी डिस्प्ले भी डायनामिक डिस्प्ले है गाइस, जैसे कि है हमारा फ़ोन, मैंने इसको पहले ही सेट कर चुका हूँ, ठीक है। और अब आपके थोड़ा इसके डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ सर गाइस, एक मिनट रुकिए। ये है गाइस 6.9 इंच का सुपर एमुलेट डायनामिक 2X डिस्प्ले, जो आज तक का सबसे लेटेस्ट और क्लियरिटी वाला डिस्प्ले है साइज, और ये कर्व डिस्प्ले में आता है गाइस, जो इस फ़ोन की क्लियरिटी को खूबसूरती को ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। ये 10 मेगापिक्सल का गाइस कैमरा f.2.2 एपर्चर के साथ, और इसके पीछे 3 कैमरे का सेटअप आता है, ठीक है। ये 108 मेगापिक्सल का कैमरा जो नॉर्मल कैमरा है, ये 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस, और ये 12 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस, ठीक है गाइस। और ये इसके सेंसर होते हैं गाइस, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, इसमें जो आप वीडियो बनाते हैं गाइस, 8K तक शूट कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ गाइस वीडियो क्वालिटी, एक मिनट, ये गाइस देखिए आप, 8K तक 24 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात गाइस, इसकी कैमरे इतने क्लैरिटी के हैं गाइस, मैं कह रहा हूँ यूँ लगता है जैसे हम अगर इसकी वीडियो को आप थिएटर में भी लगाओ तो भी इसके पिक्सल नहीं फटेंगे, काफ़ी डायनामाइक डिस्प्ले है गाइस। डिस्प्ले इसकी इसका प्लस पॉइंट है सबसे बड़ा। और दूसरी चीज़ है गाइस, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, इसकी जो ये मैट फिनिशिंग है, इसके मैं कह रहा हूँ गाइस, यूँ स्टील में है ये, और काफ़ी सॉलिड है, ठीक है। विक्टस ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस, जो आज तक का सबसे लेटेस्ट और सबसे कम ब्रेक होने वाला ग्लास है गाइस, ठीक है। तो आगे पीछे विक्टस ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, ऊपर मिलेगा सिम रिमूवर गाइस। ये हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है इसमें, आप सॉरी हाइब्रिड सिम स्लॉट है इसमें, आप 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी इंटरनल मेमोरी 512 GB है, और 12 GB इसकी रैम है, आप इसमें 512 GB का मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। ड्यूल ऑटम स्पीकर का दोनों तरफ स्पीकर हैं इसके, तो इससे इसकी साउंड क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त बन जाती है और इतनी लाउडी बनती है ना गाइज़,
लाउडली कि आपको सुनने में मजा आएगा गाइज, ठीक है। और दूसरा गाइज मैं आपको एक चीज़ और बताएं, इसका ये फिंगरप्रिंट, सॉरी मैंने अभी स्विच ऑफ करके ऑन किया था गाइज, इसलिए पहले पैटर्न लॉक मांगेगा गाइज। तो पैटर्न लॉक लगा के मैंने खोल लिया गाइज इसको, और जैसे कि आप देख सकते हो ये इसके स्पीकर है। और सबसे मेन हाईलाइट गाइज ये है इसका एस पेन, जो इस फ़ोन को काफ़ी सुंदर बनाता है गाइज। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये इसका हमें काफ़ी यूज़ होता है, इस पर जो ये बटन दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा सा फोकस हो जाए, हाँ ये बटन दिया हुआ है, ये हमारी फ़ोटो, इस बटन से हम फोटो क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, ये देखिए गाइज, अब जैसे ये फ्रंट की फ़ोटो है, ये देखिए ये फ़ोटो है, अब हम इस बटन से खींचेंगे, हम कहीं टच नहीं करेंगे, वन, ठीक है गाइज। और इसे ही हम आगे भी कर सकते हैं, देखिए पेन से ही आगे, और पेन से ही वीडियो स्टार्ट होगी, पेन से ही बंद हो जाएगी, देखिए। तो गाइज काफ़ी यूजफुल है इस पेन का, और इससे हम लाइव एडिटिंग वगैरह कुछ भी गाइज, एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा फीचर्स लगा इसका, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। जैसे कि हम अपनी गैलरी में से कुछ भी या फोटो ले लेते हैं, हम गैलरी में से कुछ भी ले सकते हैं। सो गाइज जैसे कि मैंने पिक्स ले ली है अपनी, और इस पर हम लिखेंगे अपने चैनल का नाम, जैसे कि हम लिखते हैं, एक मिनट गाइज यहाँ से डन कीजिए, फिर लिखिए जैसे येलो, हम कलर भी कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से, लेकिन मुझे येलो थोड़ा पसंद है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। देखिए गाइज जैसे हम लिखते हैं रोहित ब्लॉग्स, ठीक है गाइज, ये वर्बली मैंने लिख के दिखाया है, ठीक है। तो हम इसको डन करते हैं, और अब आप देखिए गाइज कितना ब्यूटीफुल लगता है, कुछ भी लिख सकते हैं हम, काफ़ी यूजफुल है ये चीज़, और काफ़ी अट्रैक्टिव करती है इस फ़ोन को ये फीचर्स, ठीक है गाइज। ये हो गया हमारे एस पेन का यूज़, एस पेन के बहुत सारे यूज़ है गाइज, एक वर्बली वीडियो बनाऊंगा एस पेन के ऊपर, वो आप देखना, ठीक है। इसको हम वापस डाल देते हैं, ये देखिएगा। तो गाइज काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है गाइज इसकी, और काफ़ी मज़ा आता है इसको चलाने में, ये देखिए काफ़ी ब्राइटनेस 2x, और सर गाइज इसका 1500 निट्स तक की ब्राइटनेस है इसकी, जो काफ़ी आप धूप देखो, बिल्कुल धूप में भी आप जाओगे तो बिल्कुल अक्सर आपको बिल्कुल ऐसे क्लियरिटी डिस्प्ले दिखेगी, कोई आपको ऐसा फील नहीं होगा कि अंधेरा है डिस्प्ले में। तो काफ़ी यूजफुल है गाइज डिस्प्ले। अब इसके बात आती है कैमरे टेस्ट की, तो कैमरे टेस्ट अब आपको पूरा इसके जितने भी फीचर्स हैं मैं कैमरे टेस्ट में आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है गाइज, बन रहे वीडियो के साथ। जैसे कि आप देख रहे हो यह है फ्रंट की पोर्ट्रेट वीडियो, और काफ़ी अच्छे इसने एज वगैरह काफ़ी अच्छे कवरअप किए हुए हैं। तो जैसे कि ये 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, उसके अकॉर्डिंग तो गाइज ये 20 मेगापिक्सल को भी फेल कर रहा है, काफ़ी अच्छी एजेस कवर किए हुए हैं। देखो मेरी अभी पोर्ट्रेट वीडियो पीछे से जितना, और इसको हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, ऑप्शन होता है इसमें, तो जितना मुझे ठीक लगा मैंने अभी मीडियम रेंज पे किया हुआ है इसका बुक वाला ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए आपकी वीडियो, अब चलिए मैं आपको इसको बैक कैमरे का थोड़ा व्यू कराता हूँ, ठीक है गाइज। तो गाइज ये बन रही है इसका ये फ्रंट कैमरा है, अल्ट्रा HD प्लस में फ्रंट कैमरा है, और काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है जैसे कि आप देख रहे हो, इतने अच्छे पीछे से पूरा बैकग्राउंड बढ़िया अच्छा कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसके फ्रंट कैमरे की वीडियो है, अब मैं कुछ पिक्स भी दिखाता हूँ आपके फ्रंट कैमरे की, वो भी आ देखिए, ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो मैंने अब इसका ड्यूल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन चालू किया, काफ़ी बढ़िया है ये, देखिए बच्चे जैसे पीछे खेल रहे हैं मेरे भतीजा और भतीजी, और मैं यहाँ देखो फ्रंट में भी हूँ, और ये सबसे ज़्यादा कैमरा यूज़ होता है व्लॉगिंग में, व्लॉगिंग में आप काफ़ी अच्छा यूज़ कर पाते हो इस चीज़ का, और काफ़ी बढ़िया चीज़ लगती है गाइस। जैसे फ्रंट भी हम यूज़ करते हैं, और इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया है रिवर्स, इसमें अब मैं फ्रंट वाला ज़्यादा बड़ी स्क्रीन में है और बैक वाला छोटी स्क्रीन में, इसको हम अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर सकते हैं, ये देखिए मैंने फिर बैक कर दिया है, ठीक है गाइज। और ये वीडियो भाई इस कैमरे का काफ़ी यूज़ है गाइज, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, तो जरूर जिस व्लॉगर हो इस फ़ोन को जरूर यूज़ करो यार, और मैं व्लॉगर हूँ तो मैं इसको काफ़ी अच्छे पॉइंट देता हूँ, ठीक है। और आपको कैसी लगी ये ड्यूल कैमरे वाली वीडियो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है गाइज। जैसे कि गाइज ये है 8K वीडियो इसकी, तो काफ़ी अच्छी इसकी क्लैरिटी है गाइज, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो काफ़ी अच्छा एज कवर करता है, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड पूरा कवर करता है गाइज। तो नोट 20 अल्ट्रा है, काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, ठीक है। ये 8K वीडियो बन रही है, तो आपके नॉर्मल वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कर दे। सो गाइज ये है हमारी नॉर्मल अल्ट्रा HD की वीडियो है, 60 FPS पे बनी हुई है, ये भी काफ़ी अच्छी है, इतने सारे ऑप्शन है गाइज, आप अपनी सुटेबल के हिसाब से वीडियो बना सकते हो, ठीक है गाइज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फ़ोन में इतने फंक्शन हैं वीडियो के रिलेटेड, सब कुछ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, और 60 FPS पे कैसी वीडियो आ रही है नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ये भी मुझे काफ़ी
अच्छी लगती है वीडियो, ठीक है। और दूसरा बनाते हैं हम नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड वाली वीडियो, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारी पोर्ट्रेट वीडियो, और इस वीडियो में आप ये चीज़ देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इसने एज कवर किए हुए हैं, देखिए काफ़ी, और कितनी अच्छी पीछे बैकग्राउंड ब्लर करता है, और इसको आप एडजस्टेबल भी कर सकते हो। तो मैंने मीडियम में रखा हुआ है कि नॉर्मल, ना ज़्यादा ब्लरिंग दिखे और ना ज़्यादा नॉर्मल दिखे, तो इसलिए आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे फीचर्स है गाइस, जो हमें DSLR में मिलते हैं वो फीचर्स हम इस फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, इतना पैसा लगाने के बाद तो यूज़ होता है गाइस। तो कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आपको पोर्ट्रेट बैक कैमरा का वीडियो कैसा लगा, ठीक है गाइस। सो गाइस, ये है इसकी वीडियो, जो अभी नॉर्मल है 1x है, और ये आ गया 2x, जैसे कि आप देख सकते हो, ये आ गया है 3x, 6x, 8x, 10x, ठीक है गाइस। ये 10x तक वीडियो जूमिंग करता है। ये देखिए, ये जो रोड है सामने स्पाइक का, ये अभी नॉर्मल 1x पे है तो हमें दिखाई भी नहीं देती, तो ये भी चीज़ काफ़ी बढ़िया है गाइस इस फ़ोन की, ठीक है। और काफ़ी अच्छा व्यूज आएगा ये, देखिए यार, बढ़िया व्लॉगिंग में मज़ा आएगा। गाइज, कैसी लगी है वीडियो? आई होप अच्छी लगी होगी। सबसे पहले गाइज, मैं आपको इसका प्राइस दिखा देता हूँ। ये है मेरा बिल, ठीक है गाइज, एक मिनट मैं आपको इसका प्राइस दिखाता हूँ। थोड़ा बैक कैमरे से उल्टा ही दिख गया फ्रंट कैमरे से, 96,096 रुपये का मुझे पड़ा है। यह था 1,05,000 रुपये का फ़ोन, ठीक है, मुझे 7,000 कुछ डिस्काउंट मिला है, ठीक है, सॉरी 7,000 कह रहा हूँ, मुझे मिला है डिस्काउंट, हाँ ये लगा लो गाइज, हाँ 9,000 रुपये डिस्काउंट मिला मुझे गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो 9,000 रुपये डिस्काउंट मिला है, और काफ़ी बढ़िया फ़ोन है गाइज। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये मेरी व्लॉगिंग को सुपर डुपर बना देगा। इसके जो कैमरे के फीचर्स मैंने आपको दिखाए, कितने इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं गाइज, और कितना, मतलब मैं आप यही कह रहा हूँ कि कितना बढ़िया लगता है ना ऐसे फ़ोन को यूज़ करते हैं, एक अलग से ही फीलिंग आती है गाइज, जैसे रिच वाली फीलिंग आती है वो निकलती है। अब किसी का भी निकालते हो, वो भी यार बंदा है, वो नज़र जरूर मारता फोन भी, यार क्या फ़ोन लिया था हमने, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये फ़ोन, और काफ़ी यूज़फुल है मेरे लिए भी और सबके लिए भी, यूज़फुल तो होती है गाइज इतना। अब इसमें इतने फीचर्स हैं ना, हैंग तो पूछो ही मत गाइज, हैंग तो होता ही नहीं है। आप पबजी वगैरह, फ्री फायर ऐसे रफ एंड टफ अल्ट्रा सेटिंग पर खेल सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इतने फीचर्स हैं तो आपको कभी ये फ़ोन बोर होने ही नहीं देगा, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गाइज, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपका बजट 1,00,000 रुपये तक का है तो आप इसको जरूर ट्राई करें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे तो देखो, मैंने अभी 15 दिन जरूर ट्राई किया है, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं कैमरे की, जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग सब मैंने आपको दिखाई है, इसका स्लो मोशन, इसकी ड्यूल वीडियो रिकॉर्डिंग, फ्रंट और बैक से दोनों एक ही बारी में रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। और इसका जूमिंग एक्स सिस्टम कितना जबरदस्त, मैं कह रहा हूँ 50x जूम पे भी इतनी अच्छी विजिबिलिटी दिखाता है ना कैमरा, तो अच्छा लगता है गाइस यूज़ करने में, ठीक है। दूसरा, बाकी इसका इतने फीचर्स हैं, स्लो मोशन है गाइस, सुपर स्लो मोशन, तो मुझे इसका इतना अच्छा लगता है, 3 बार शूट करना पड़ा इसको समझने के लिए, कि आप जैसे ही क्लिक करते हो उसके 3 सेकंड के अंदर ये रिकॉर्डिंग करता है, वही इसका सुपर स्लो मोशन होता है,
ठीक है। तो नॉर्मल स्लो मोशन ज़्यादातर यूज होता है क्योंकि वो थोड़ा सा नॉर्मल यूज में आता है। सुपर स्लो मोशन तो आप जैसे वाटर गेम है उस पर यूज कीजिए, या किसी चीज़ को आप शॉर्ट मार रहे हैं उस पर यूज कीजिए, तो वो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इस मोबाइल के बारे में जितना उसके मैंने आपको सारा व्यू कराया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जितना और वीडियो को फैला देना गाइस। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा गाइस कि कभी भी ओवर बजट मत लेना, अगर वो बजट हो तो ही लेना, नहीं तो आप थोड़े से कहीं मेरी वीडियो देख के आप ये सोचो कि हमें भी ये फ़ोन ओवर बजट होके लेना, जो ओवर बजट होके मत लेना गाइस। ठीक है, जिसका जितना बजट होता है उसके हिसाब से लो, अगर लाख तक का जिसका बजट है तो आप ये जरूर ट्राई करो, मैं ये कहता हूँ। ठीक है गाइस, अब इसका जितना होता है नेक्स्ट जितने ब्लॉग्स आएंगे मेरे इसी फ़ोन से शूट होंगे। ठीक है, और मेरे को काफ़ी दिक्कत होती थी छोटे फ़ोन में यूज़ करने में, मेरे को उसमें एडिटिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आपको अच्छी ही वीडियो मिलेगी आगे नेक्स्ट मेरी। ठीक है, वीडियोस में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगे। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, जो मेरे चैनल पर नया नीचे सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, और जिसने मेरे पहले वाली वीडियो में देखी वो प्राइवेट बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करके देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग चीज़ लगे। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, खुद भी खुश रहना, परिवार में खुश रहना। कीप वॉचिंग गाइस।